हेलो फ्रेंड्स इन्वेस्ट फॉर में आपका एक बार फिर से स्वागत है देखिए मार्केट एक नया लेवल बना लिया है एक नई ऊंचाई पे पहुंच गई है निफ्टी अलग ऊंचाई पे पहुंच गई है बट अगर हम बात करें अपने इंडिविजुअल स्टॉक्स की तो पिछले जब से मार्केट ने नया बनाया है एक नया हाई बनाया है आ, हमारे जो पोर्टफोलियो है वो आपको हमेशा रेड पे दिखाई दे रहा है आपको लॉस होता हुआ दिखाई दे रहा है तो क्या करना चाहिए हमारे जो स्टॉक्स है जो हमने चूज करे अगर हम बात करें जैसे कि आपने थंबनेल में देख लिया है इंटाली इंटेलेक्ट डिजाइन एक कंपनी है आई की वो गिरती हुई नजर आ रही है की बात करें, वो आज गिरता हुआ नजर आया हाँ नजर आया नजारा अपने रिजल्ट बट तो हम बात करें यहाँ पर इन चार स्टॉक्स की तो क्या करना चाहिए एक्जैक्टली exactly? ये कब तक गिरते रहेंगे कब तक हमें हमारी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए क्या किस तरीके का पोर्टफोलियो होना चाहिए क्या हमें बेच के निकल जाना चाहिए या हमें इसमें एड ऑन करना चाहिए उससे रिलेटेड बात

को गो थ्रू करिए तो आपको नॉलेज मिलेगी और आप अपनी आ, आप अच्छा खासा पैसा कमाते हुए दिखाई देंगे बाकी नीचे डिस्क्रिप्शन की बात करें लिंक है इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए और अगर ट्रेडिंग डीमैट अकाउंट में क्लिक करें फ्री में आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा तो देखिए मार्केट अगर हम बात करें यहां पर निफ्टी की तो अगर हम यहाँ पर देखते हैं निफ्टी फिफ्टी तो यहाँ पर एक अलग ही लेवल पर आपको दिखाई देगी देगीउजेंड प्लस सॉरी प्लस यहाँ पर मार्केट चल रही है ऊपर की तरफ ही हमेशा यहाँ पर दिखाई दे रही है क्लोजिंग भी यहाँ पर पॉजिटिव भी हुई है बट अगर हम बात करें मिड कैप की यहाँ पर अगर हम निफ्टी मिड कैप लिखेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर जो स्टॉक्स है ओके अगर निफ्टी फिफ्टी की हम बात करें तो यहाँ पर गिरते हुआ नजर आ रहा है निफ्टी फिफ्टी का इंडेक्स यहाँ पर गिरता हुआ नजर आ रहा है स्मॉल कैप मिड कैप में यहाँ पर गिरावट होती हुई नजर आ रही है और जो लार्ज कैप की तरफ लोगों का झुकाव है है वो थोड़ा थोड़ा बढ़ता हुआ जा जा रहा है। लोग डिफेंसिव की तरफ जा रहे हैं और यहाँ पर जो ये छोटे छोटे स्टॉक्स चाहे उनके रिजल्ट अच्छे आए हो या चाहे बेकार आए हो वो सब यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग करते हुए नजर आ रहे हैं उन्हें एक डर सा लगता हुआ नजर आ रहा है कि आ, किस तरीके से मार्केट आगे बिहेव करेगी तो देखिए मार्केट तो बिहेव उसी के अकॉर्डिंग करेगी जो चीज अच्छी है और जो चीज अच्छी है जो आपने ले रखी है हो सकता है जैसे मार्केट

नहीं है वो भी कभी उन्होंने भी छोटे टाइम से ही यहाँ पर काम करना शुरू किया तो ऐसे डिफ्रेंशिएट करना बे, बिल्कुल बेवकूफ़ी होगी दीपक नाइट्रेट की बात करें उसने अब दस साल में करोड़पति बना दिया ने यहाँ पर लोगों को पैसा बना के दिया तो अलग अलग स्टॉक से जिन्होंने पैसा बना के दिया है और अगर हम बात करें आज की डेट में अगर इस तरीके से गिरावट होती है तो एग्जिट होना कोई सवाल नहीं है बट हम अगर बात करें पांच स्टॉक से रिलेटेड तो यहां पर देखिए हम सबसे पहले दिखाई दे हम लेंगे इंटेलेक्ट डिजाइन आपके सामने सात सौ इक्कीस रुपए आज की डेट में फिर दोबारा गिरावट होती हुई दिखाई दी है और लगभग छह सौ कुछ रुपए पर छह सौ पचपन रुपए की बात करेंट का डेट फ्री लगभग कंपनी नजर आती है यहाँ पर स्मॉल कैप कंपनी है तो ऑलरेडी बता दी स्मॉल कैप और मिड कैप में लोग पैसा निकाल के लार्ज कैप की तरफ यहां पर ज्यादा झुकाव दे रहे और वहां पर शेयर को भगाया जा रहा है तो अगर हम देखें ये शेयर आपको पॉजिटिव

जब ये शेयर यहाँ पर सात सौ के आसपास सात सौ के आसपास था उसके बाद ये शेयर आठ के आसपास यहाँ पर जाता हुआ दिखाई दिया साढ़े अच्छा खासा हमें दस से पंद्रह का यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा था हमने नहीं बेचा क्यों नहीं बेचा क्योंकि हमें पता है रिजल्ट अच्छे आए हैं ये शेयर को ऊपर जाना है यहाँ पर आज की डेट में बात करें छह सौ पचास के आसपास ये शेयर आता हुआ दिखाई दे रहा है यहाँ पर अब एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी बन गई है हमेशा जब भी ये शेयर यहाँ पर आया है थर्टी आर के नीचे या उसके आसपास तो शेयर भागता हुआ दिखाई दे रहा है अगर बात करें कितना गिर सकता है तो कितना गिरने की कि, अगर बात करें तो पांच पे भी आ सकता है क्योंकि यहाँ पर एक सपोर्टिंग लेवल यहाँ पर बनते हुए नजर आ रहे हैं पांच के आसपास तो थोड़ा बहुत और करेक्शन हो सकता है बट यहाँ पर करेक्शन का वेट करते रहेंगे तो फिर करेक्शन होता रहेगा इसलिए आपको क्या करना है आपको शेयर को एकोमुलेट करना है बाय डिप्स करना है लमसम पैसे इसलिए नहीं लगाना होता और किसी भी शेयर में आपको पांच से ज्यादा पैसा नहीं लगाना अच्छा शेयर लग रहा है तो दस से पैसा नहीं ज्यादा नहीं लगाना तो क्या होगा आपका पोर्टफोलियो अगर गिरेगा भी तो थोड़ा सा गिरेगा बट जब भागेगा तो आपका बहुत तेज़ भागता हुआ नजर आएगा, आपको मल्टी बैगर रिटर्न मिलते हुए नजर आएंगे तो आपके पोर्टफोलियो में कम से कम पांच पांच परसेंट का हिसाब से पैसे होने चाहिए या फिर और भी कम बात करें तो तीन तीन परसेंट के हिसाब से होने चाहिए कम से कम तीस से पैंतीस स्टॉक आपके मार्केट पोर्टफोलियो में होने चाहिए ताकि रिस्क कम हो जाए और जब यहाँ पर प्रॉफिट हो तो प्रॉफिट आपको ज़्यादा होता तो है वो दिखाई दे तो ये इसी तरीके से काम किया जाता है इंटेलेक्ट डिजाइन अच्छा खासा शेयर है अच्छा खासा रिजल्ट पेश करे अच्छा खासा चार्ट पैटर्न है एवरीथिंग इज गुड अबाउट दिस कंपनी जैसे ही गिरता है धीरे धीरे यहाँ पर एकोमलेट कर सकते हैं तो ये होगी इंटेलेक्ट डिजाइन इसके अलावा बात करें यहाँ पर बैंकिज तो बैंकिज के यहाँ पर आज रिजल्ट आते हुए दिखाई दिए ओके रिजल्ट की बात करें काफी बेहतरीन रिजल्ट थे किसी की मत सुनिए ओके और अगर बीच में थोड़ी बहुत जो गिरावट थी जो वो अगर बात करें क्वार्टरली बेसिस पर वो गिरावट थी जस्ट बिकॉज ऑफ इसके यहाँ पर अभी सेकंड वेव आते गई है वहां पर पूरा लॉकडाउन था तो इस वजह से गिरावट थी देखिए दे, आर ओ सी की डेट 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 लगभग फ्री कंपनी है 17 का यहाँ पर है का पर और बात करें करेंट कैप अच्छी खासी और बैंक रेस्टोरेंट भी है इनके अगर बात करें यहाँ पर इस तरीके से कंपनी काम करती हुई नजर आती है यहां पर इससे रिलेटेड ऑलरेडी वीडियो बनाई है रिजल्ट देखिए यहाँ पर आज की रिजल्ट है हाइस्ट लेवल सेल्स होती हुई नजर आई है हाँ यहाँ पर थोड़ा सा एक्सपेंस ज्यादा होते हुए दिखाई दी है जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं जिस वजह से यहाँ पर ऑपरेटिंग

लेवल की बात करें तो पच्चीस तक भी ये शेयर आता हुआ दिखाई दे सकता है बाकी यहाँ से मुझे लगता है ऊपर जाना है नीचे नहीं जाना इसके अलावा दूसरे शेयर की बात करते हैं एमटार की <coughs> सॉरी तो एमटार के रिजल्ट देखिए यहाँ पर फ्राइडे के दिन सैटरडे के दिन आई थिंक आते हुए दिखाई देते हैं नॉट अगर बात करें करंट लेवल पे तो 1200 के <coughs> बारह के आसपास यहाँ पर शेयर जाता हुआ दिखाई दिया आर ओ सी अच्छी है, 19 के है पहले भी हमने यहाँ पर स्विंग ट्रेड करके पैसा कमाया है डेट की बात करें कमायासेंट कर का डेट है ना के बराबर अगर बात करें यहां पर इसके रिजल्ट तो देखिए रिजल्ट थोड़े से यहां पर डाउन होते हुए नजर क्वार्टरली बेसिस पे यहां पर डाउन होते हुए नजर आए बट ईयरली बेसिस पे अच्छे खासे रिजल्ट है और यहाँ पर भी पैंडमिक का असर था यहाँ पर भी पैंडेमिक का असर था जो कि सेकेंड वेव फर्स्ट वेव का शिकार थे इस वजह से यहाँ पर थोड़ा सा बात करें सेल्स कम होती हुई नजर आई बट वर्ना एक कंसिस्टेंट परफॉर्म

तो ये शेयर 50 डीएमए के आसपास आ गया और यहाँ से मुझे लगता है कि यहाँ से रिवर्स हो लेगा ओके यहाँ पर भी इसने इसी तरीके से भागता हुआ दिखाई दिया थोड़ी बहुत गिरावट आई है कोई इशू नहीं है अच्छी खासी गिरावट है ये अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी है अच्छे खासी गेन प्राप्त करने के लिए सिंपल और ये अग, अगले जब इसके क्वार्टर के रिजल्ट आएंगे वो तो अच्छे आना ही है क्यों और उसके बाद छब्बीस तो देखिए यहाँ पर दिखाई रहा है और भी ज्यादा न्यू लिस्टिंग है थोड़ा सा समझने की जरूरत है बाकी कुछ नहीं यहाँ पर पैंडेमिक का असर है और कुछ नहीं है इसके अलावा बात करते एक और कंपनी की तो देखिए नजर नजारा की बात करें रिजल्ट आए बेहतरीन रिजल्ट करंट प्राइस यहाँ पर और कम होता हुआ दिखाई दिया यहाँ पर देखिए आर तो कुछ नहीं है बट बात करें मोनोपोली एक बिजनेस है है cap, cap है स्मॉल स्मॉल कैप 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 कंपनी कंपनी मिड गिनी डेट फ्री हमें नजर आ रही है सेल्स पर बात करें ईयरली क्वार्टरली बेसिस पे यहाँ पर देखिये क्वार्टरली बेसिस पे बढ़ते हुए नजर आ रही है प्रॉफिट की बात करें प्रॉफिट यहाँ पर यहाँ पर अच्छा खासा है जो की लास्ट ईयर लास्ट क्वार्टर जून मार्च से भी अच्छा खासा है इसके अलावा बात करें यहाँ पर सेल्स की ईयरली बेसिस पे दो करोड़ की सेल्स यहाँ पर आ, पाँच साल में डबल से ज्यादा होती हुई नजर आ रही है ईयरली प्रॉफिट भी बात करें तो कंपनी का प्रॉफिट थोड़ा सा घाटे नीचे जाता हुआ दिखाई दे रहा है इसके पीछे रीजन है कंपनी घाटे से अपने आप को प्रॉफिट में लाती हुई नजर आ रही है अब और कंपनी न्यू है ओके कंपनी राजेश झुंझुन राकेश झुंझुनवाला सर ने यहाँ पर इन्वेस्ट कर रखा है तो समझने की जरूरत है बाकी और कुछ नहीं है रिजर्व अच्छे खासे है कंपनी धीरे धीरे परफॉर्म कर रही है थोड़ा सा टाइम और दो ये कंपनी फिर भागती हुई दिखाई देगी एफ ने होल्डिंग बढ़ाई है डी ने थोड़ी कम करी है तो ऐसा ये चलता रहता है डीआईएस बेच रहा है एफ आई एस खरीद रहा है एफ आई तो राकेश झुंडा सर ने ले रखी है तो थोड़ा सा यहाँ पर समझने की जरूरत है बाकी यहाँ पर अगर हम टेक्निकल की बात करें तो देखिये तो अभी न्यू लिस्टिंग है ज्यादा चार्ट पैटर्न है नहीं ओके और जो भी चार्ट पैटर्न है ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं और हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर देखिए

आएगा तो यह आने वाले छः महीने में जब ये तीन हजार रुपये के आसपास नजर आएगा तब हम बात इससे रिलेटेड बातें करेंगे कि मैंने आपको ये शेयर बार बार रिकमेंड किया है और हमेशा मैं इस तरीके के शेयर आपको रिकमेंड करता रहूंगा और भी शेयर से रिलेटेड वीडियो इसी तरीके से आने वाली है उन्हें भी देखिएगा क्योंकि उनमें भी गिरावट है ये अपॉर्चुनिटी है फिर दोबारा कह रहा हूँ अपॉर्चुनिटी है बिलीव इन इंडिया इंडिया भागने वाला है इंडिया परफॉर्म करने वाला है इंडिया पीछे नहीं रहने वाला आज की डेट में तो भूल जाइए बाकी हम बात करें यहाँ पर बैंक सेलिंग की रिकमेंडेशन अपने फाइनेंशियल एडवाइजर खुद की स्टडी है वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए एक लाइक से हमारा हम वीडियो आगे की तरफ फॉरवर्ड किया जाता है बस ये होता है बाकी और कुछ नहीं सो थैंक यू सो मच गॉड ब्लेस